close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. How are you all? This is Mahek Jain. आज की जो वीडियो है वो स्पाइस जेट के जब हम कैबिन क्रू के इंटरव्यूज देने जाते हैं उसमें कितने राउंड्स होते हैं, हर एक राउंड में क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आज इसके बारे में मैं आप सबसे क्लियर करूंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एवरीवन, दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. अगर मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए. सो लेट्स बिगिन. जो फर्स्ट राउंड होता है वो आपका इंट्रोडक्शन राउंड होता है. इसमें कुछ बेसिक फॉर्म फिलिंग फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं. 10 और मोर पीपल विल गो टुगेदर एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल आस्क फ्रॉम योर सीवी. वो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपकी सीवी में से ही पूछे जाएंगे, जो आपने सीवी में आप कुछ भी ऐड किया होगा वो उसमें से पूछा जाएगा. जो सेकंड राउंड होता है वो आपका होता है बेसिक बीएमआई राउंड. इसमें स्कार्स एंड टैटू चेक होता है. स्किन इज इंपॉर्टेंट हियर. अगर इसमें आपके स्कार्स या टैटू होते हैं तो आपके बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें सेलेक्ट होने के. देन आपका थर्ड राउंड होता है ग्रूमिंग चेक. You will be asked to change your entire look. This is the most important round. आपकी grooming एकदम perfect होनी चाहिए. इसमें आपकी grooming check की जाती है कि आपकी stocking कैसा है, आपके hair bun है या नहीं है. इसमें आपके सब grooming check की जाती है. जो fourth round है आपका वो होता है आपका group discussion round, GD round. इसमें everyone has to give your own opinion individually. इसमें teams नहीं बनेंगी. HR आपको एक topic देंगे, उसके regarding आपको अपने points रखने होंगे कि आपके points क्या हैं. Then आपका fifth round जो होता है वो होता है PI round, personal interview round. इसमें वन ऑन वन इंटरव्यू विद हायर अथॉरिटी ऑफ द कंपनी. HR विल बी अ पार्ट ऑफ दिस टू. इसमें आपसे कुछ पर्सनल इंटरव्यू होता है आपका. ये जो कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे तो ये होता है आपका फिफ्थ राउंड. सिक्स्थ होता है आपका मेडिकल. आफ्टर क्लियरिंग अबव राउंड्स आपका ब्लड टेस्ट होता है मेडिकल में, यूरिन टेस्ट होता है और आपका आई टेस्ट होता है. तो ये आपका मेडिकल राउंड होता है जो सिक्स नंबर पर राउंड होता है. अगर आप ये सारे राउंड्स क्लियर कर लेते हैं उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आफ्टर मेडिकल क्लियरेंस, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है इसके बाद में, देन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है. तो ये है आपके स्पाइस जेट इंटरव्यू राउंड्स की सारी कितने राउंड्स होते हैं. मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई हुई है. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.